आपका स्वागत है फ्रेंड्स। और आज बना रही हूँ मैं आलू मटर की सब्जी। ये प्याज मसाले जो टमाटर वगैरह ये डाल दिए हैं मैंने, साथ के साथ काटती रहती हूँ, ये भुनेंगे इतने तक आलू वगैरह काट लूंगे। फिर मैं ये नहीं कि पूरी तैयारी करके ही जल लगाती हूँ, ऐसा नहीं है। पहले प्याज लहसुन वगैरह जो होता है उतर लेती हूँ, जब तक वो भुनेंगे तब तक टमाटर काट लूंगी। टमाटर भुनेंगे तब तक दूसरी सब्जी ऐसे बनाती हूँ। अब आलू वगैरह छील लेती हूँ फ्रेंड, जब तक ये टमाटर भुनेंगे तब तक। और गैस चिमनी को, गैस कह रही हूँ, चिमनी को चला देते हैं। आज का मौसम तो फ्रेंड्स क्लाउडी वेदर है, और सुबह हम उठे तो गेट के पास, हमारे गेट के पास गीला था, तो तब पता चला कि रात को बूंदाबांदी आई होगी। वॉक पर गए तो सड़कें भी गिल्ली थी, ज़्यादा बारिश तो नहीं आई लेकिन बूंदाबांदी हुई थी। और अब भी ऐसा ही हो रहा है, दिन में ऐसा लगा कि दिन में बारिश आएगी ऐसा लग रहा है। और मौसम तो साफ था आज बिल्कुल, जैसे पोल्यूशन होता है, आज पोल्यूशन नहीं था क्योंकि वो बूंदाबांदी हुई होगी तो सारा धुल गया होगा। अगर तेज़ बारिश आ जाएगी तो और भी अच्छा हो जाएगा। फ्रेंड्स कुछ कपड़े निकाले हैं मैंने जो इसी मौसम में पहनने के हैं, जो ना तो ज़्यादा गर्मी में पहने जाते और ना ही ज़्यादा ठंड में पहने जाते। जो ये मौसम है वो सही है उन कपड़ों के लिए, बाकी पूरे साल वैसे ही रखे रहते हैं। कल मैंने सर को कहा कि कुछ मेरे कपड़े हैं जब पहन लूँगी निकाल दो, तो इस सर ने निकाले हैं तो इन पर करूँगी अब प्रेस। ऐसे तो पहने नहीं जाएंगे फ्रेंड। ये हैं, ये बताओ आए थे इतने महंगे महंगे, इतने महंगे महंगे कपड़े आए थे ये, और इनका फैशन नहीं है अब। कोई बात नहीं, फैशन नहीं है तो पहन लेते हैं। इसके नीचे पजामी है फ्रेंड, ये गर्मी में तो पजामी पहनी नहीं जाती, इस मौसम में तो पहन लूँगी। और ये मेरी कुर्ती है, ये मेरी सिल्क टाइप में, ये भी इसी मौसम में पहनने की है। गर्मियों में तो गर्मी लगती है और सर्दियों में ये बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है। ये शर्ट, ये है फ्रेंड मेरा बीबा कंपनी का है ये मेरा। ये देखो, ये मैंने बॉम्बे से लिया था, कितने साल पुराना है, साल हो गए हैं लिए हुए, लेकिन इतना पहना नहीं है, पुराना इतना नहीं है, पहन के इतना पुराना नहीं किया मैंने। ये लिए हुए इतने साल हो गए इसको, जब बच्चे बॉम्बे में थे, कितने साल तो उनको हो गए बाहर गए हुए, तब मैंने ये बॉम्बे से लिया था। और इतना सुंदर लगता है ना ये इतना, लेकिन गर्मियों में ये चुभता है और सर्दियों में नहीं पहना जाएगा। सर्दियों में क्यों नहीं पहना जाएगा, इसकी ये बाजू है इन पे लाइनिंग लगी हुई नहीं है, पतली है ये। ये देखो आप देख सकते हो, बाकी पूरी शर्ट पे लाइनिंग लगी हुई है लेकिन बाजू पे नहीं है। अगर कभी कभी पहनने कोशिश की मैंने सर्दी में तो बाजू पर ठंड लगती है, देखो लाइनिंग लगी हुई है नीचे। तो ये इसी मौसम में पहने जाएंगे। और ये एक मेरी ये पैंट है, ये मलेशिया से लाई थी मैं। ये क्या है, गर्मियों में तो मुझे चुभती है, ऐसा लगता है जैसे वूलन की है, सर्दियों में सही रहती है पैंट मेरी, सर्दियों में पहनती हूँ इसको। कुछ कपड़े हैं, इतनी देर तो नहीं खड़ा हुआ जाएगा, देखूंगी जितने होंगे उतने कर लूँगी, कर लेती हूँ फ्रेंड कपड़े प्रेस। ये इसकी चुन्नी है, चुन्नी तो फ्रेंड कितनी ही है ना, अलमारी भरी रहती है चुन्नियों की। आप भी बताना कि चुन्नी आपके पास भी इतनी ही एक्स्ट्रा होती हैं, सभी के पास होती हैं क्योंकि सूट के साथ, हर सूट के साथ चुन्नी होती है, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं काम आती, बाद में कुछ टाइम ही पहनते हैं हम, ओढ़ते हैं उनको, बाकी ऐसी पड़ी रहती है न्यू की न्यू। तो आप सब क्या करते हैं उन चुन्नियों का बताना मुझे, मैं भी यूज़ कर लूँगी आपके विचार सुनकर। कमेंट्स करके ज़रूर बताना मुझे कि आपकी सूटों की जो चुन्नियाँ होती हैं, जो सूट नहीं पहनते आप, तो उन चुन्नियों का क्या करते हो, ताकि मैं, मुझे भी आइडिया मिल जाए और मैं भी यूज़ कर लूँ। मैंने देखा है फ्रेंड
पुराने कपड़ों की दरी वगैरह भी बनती हैं, दरी वगैरह बनती हैं, जैसे सीधे सीधे फाड़ लेते हैं उनको, दरी वगैरह बनती हैं, और पुराने कपड़ों की, पुराने कपड़े ले जाते हैं बदले में। एक बार गांव में गई तब बता रहे थे, वहां पर पुराने कपड़ों में बेडशीट वगैरह भी बनती हैं, पता नहीं बेडशीट उन्हीं कपड़ों की बनती है, बदले में देकर जाते हैं, ये नहीं पता मुझे। लेकिन दरी वगैरह का क्या करेंगे फ्रेंड, मेरे पास पहले की 2-3 दरी रखी हुई है, वो ऐसी कैसी रखी हुई है, कहाँ बिछाएंगे उनको? आप सब बताना क्या करते हो अगर आपके पास दरी है तो। मेरे पास 2-3 रखी है, ऐसी कैसी बेड में रखी हुई है, बल्कि जगह और रोक रखी है उन्होंने। प्रेस गर्म हो गई है फ्रेंड, ये प्रेस लगा लेती हूँ, लगा लेती हूँ, क्या लगा रखी है देखो। और ये जो टेबल, ये वाली टेबल, इस पर मैं करती हूँ फ्रेंड कपड़े प्रेस, इधर लगाकर इसको सरकाकर इधर, लेकिन इसमें वेट है फ्रेंड, तो मैं नहीं कोशिश करूंगी उसको, इसको नहीं उठाऊंगी मैं। अब इसका सामान जो यहाँ रखा हुआ था इधर का, वो मैंने इधर रख दिया है, मेरी मेडिसिन वगैरह इधर रख दी है, तो ये जो जगह बनी हुई है इसी पर ही कर लूंगी बस, इतना वेट नहीं उठाऊंगी टेबल का, यहीं खड़े होकर कर लेती हूँ। चलो फ्रेंड करते, आज तो सर को भी क्या है फ्रेंड, सर की भी तबीयत ठीक नहीं है। आज प्रेस करते करते याद आया मुझे, आपको बता दूं, एक उनके पैर में फ्रेंड, एक ही पैर, एक में जो बार बार होती है जो उनको तकलीफ, हर 1.5-2 महीने में कभी ना कहीं ना कहीं से सूज जाता है, स्वेलिंग आ जाती है कहीं ना कहीं से, चाहे अंगूठे में आए या एड़ी में आए या ऊपर से आए या नीचे से आए, और इतना दर्द होगा उनको जैसे फोड़ा है। पहले अंगूठा ऐसे हुआ था उनका, पीछे एक बार एडी हुई थी, आज जो कह रहे हैं ये तलवे का नीचे वाला भाग होता है इसमें ये टिक नहीं रहा, बहुत ज्यादा पेन है उनको, आज लंगड़ा लंगड़ा के चल रहे हैं, इसलिए जैसे तैसे करके मुझे या थोड़ा ज्यादा काम करना पड़ा, तो थोड़ी तकलीफ भी हो रही है, लेकिन फिर भी मैं प्रेस कर रही हूँ। मैंने कहा ये काम तो अपने करने ही पड़ेंगे, जो पेंडिंग काम पड़े रहते हैं हमारे, एक बार प्रेस बंद कर देती हूँ, ज्यादा गर्म हो जाएगी इन कपड़ों के लिए, तो इतनी प्रेस ज्यादा गर्म की जरूरत नहीं है। तो अब वो गए तो हैं, ऑफिस में गए हैं, कह रहे थे कि मेडिसिन वगैरह लूंगा। मैंने कहा डॉक्टर को दिखा लो, बार बार इसी पैर में क्यों होता है, क्या है ऐसा? कहते कौन से डॉक्टर को दिखाएं, कोई हड्डियों की तो बीमारी है नहीं, ये हड्डियां तो है नहीं, कि हड्डियों में बीमारी है कुछ? मैंने कहा यार फिजिशियन को दिखा लो, बार बार इसी पैर में क्यों होता है आपको, और देखो थोड़े बहुत दर्द में ना, कोई खासकर जेंट्स इतने दुखी नहीं होते, इसका मतलब उनको बहुत ज्यादा पेन है, थोड़ा बहुत पेन है तो वो परवाह नहीं करते ज्यादा, लेकिन आज तो उन्होंने हथियार डाल दिए काम के लिए भी, कि अब मेरे से नहीं होगा आज, फिर भी उन्होंने जैसे तैसे करके थोड़ी बहुत तो मेरी हेल्प की है। बर्तन भी मैंने आज खुद ही साफ किए हैं, नहीं तो ज्यादातर जो कुकर वगैरह होते हैं, एक आधी प्लेट वगैरह होती है वो मैं कर देती हूँ, लेकिन जो ज्यादा बर्तन हो या कुकर वगैरह हो वो अभी मैंने स्टार्ट नहीं किए हैं, क्योंकि झुकना पड़ता है आगे थोड़ा, वो नहीं करती मैं आज, तो मैंने कुकर भी साफ कर लिया। मैंने कहीं को इतनी तकलीफ है, वो तो मना कर रहे थे कि रहने देना जैसे तैसे होगा बाद में करेंगे, छोड़ देना अब तो। मैंने कहा मेरे को ठीक लगेगा तो कर लूंगी, तो मैंने कर दिए हैं, तो पता नहीं उनको क्या है। ये फ्रेंड्स हो गए हैं मेरे कपड़े प्रेस, और इनको ठीक ढंग से लगा दूंगी अलमीरा में, 3-4 दिन तक के कपड़े हो गए हैं मेरे पहनने के, ऐसे ही कर लूंगी फिर 3-4 दिन के इकट्ठे फिर कर लूंगी, ऐसे तो नहीं पहने जाते फ्रेंड्स मेरे से कपड़े, घर में भी नहीं पहने जाते ऐसे, हैंगर की बजाय नीचे ही लगा देती हूँ इनको, ऐसे ही आराम से रख दूंगी ठीक ढंग से। वो गिर गया है, बताओ कैसे उठाऊंगी फ्रेंड मैं इसको, अब यही दिक्कत आती है मेरे साथ, कोई चीज गिर जाती है तो उठानी मुश्किल हो जाती है। ये तो कपड़ा है, चलो पैर से उठा लूंगी इसको मैं धीरे धीरे, कई बार मेरे स्पेक्स का बॉक्स गिर जाता है फ्रेंड, वो पैर में नहीं आता तो पड़ा ही रहता है शाम तक, जब तक सर नहीं आएंगे वो बॉक्स मेरा स्पेक्स का नीचे ही पड़ा रहेगा। मान लो मैं पेन वगैरह ले रही हूँ हाथ में, चलो पेन तो उठा लेती हूँ, कपड़े भी उठा लेती हूँ जैसे तैसे करके, एक पैर से दो उंगलियों के बीच में उलझा के उसको उठा लेती हूँ,
लेकिन बॉक्स वगैरह जो बड़ी चीज़ होती है वो नहीं उठाई जाती, और इसकी जगह बना देती हूँ एक सूट की, इसको भी हैंगर में टांग दूंगी। और फ्रेंड अब सर्दियाँ आनी शुरू हो गई तो न सर्दियों के कपड़े निकालेंगे, अभी गर्मियों के मेरे सारे ही कपड़े अंदर जाएंगे, यहाँ सारे सर्दियों के कपड़े लगाऊंगी। ये फ्रेंड्स शाम का टाइम है और जा रहे हैं बेटी के घर दिवाली का देने के लिए। मैं तो कह रही थी कि नहीं मैं नहीं आने वाली, बच्चे कहने लगे, ज़्यादा ही सारे ही कहने लगे, सबकी यही इच्छा थी नहीं जरूर आना जरूर आना। मैं कहा चलो ऐसी में तबीयत रहने देती हूँ, कहते कौन सा दूर जाना है आ जाओ। तो ये है फ्रेंड फ्रूट्स वगैरह हैं, ये संतरे सेब शरदा फ्रूटी बनाना स्वीट्स स्वीट्स, और ये है फ्रेंड समधन जी का सूट, एक हाथ से निकाला भी नहीं जा रहा, ये देखो। दिखाने की कोशिश करो, ये देखो सूट समधन जी का है, ये चुन्नी बहुत हैवी है इसकी, बहुत ज़्यादा सुंदर सूट है, बेटी की ही पसंद का है, बेटी से ही मंगवाया है मैंने। मैंने कहा भी जैसे तुम्हारी मम्मी जैसे पहनती हूँ वैसे ही ले आना, मैं खुद भी वैसे मार्केट में नहीं जा सकती, फिर अच्छा है पसंद की चीज़ आ जाए पहन ले वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये है, उनको ज़्यादा लाइट कलर पसंद नहीं आते, फिर बेटी अपनी ही पसंद की लेकर आई है, ये बहुत सुंदर है, दिखाया था खोल के, मेरे से एक हाथ दिखाया नहीं जाएगा। ये उनका सूट है, और बेटी ने अपनी पसंद की साड़ी ले रखी है, वो उसी के घर में है, उसने फॉल वगैरह लगवाने के लिए देनी थी, तो मैंने कहा कोई बात नहीं रख ले, देने तो तेरे घर ही तुझे ही देनी है, वहीं से लेके उसी को दे दूंगी, बच्चों को कैश दूंगी, दीपक जी को भी पैसे ही दूंगी। चलते हैं फ्रेंड देने के लिए। ये घर देख सोनू ने कितना सुंदर है डेकोरेशन, और सोनू हैप्पी दिवाली, सोनू हैप्पी दिवाली बेटा, हैप्पी दिवाली मम्मा, वो ब्लेस यू बेटा, हेलो राध्या, हैप्पी दिवाली आपको बेटा, प्रथम प्रथम नमस्ते जी, नमस्ते जी, आ जाओ, वेरी ब्यूटीफुल सोनू, तेरा घर तो बहुत सुंदर सजा रखा तुमने, नमस्ते बेटा, वाओ। ये सोनू का घर देख लो फ्रेंड्स, आओ चलो बेटा चलो, मैं पकड़ के आऊंगी नानू को। ये पेंट भी अभी करवाया है सोनू ने, कितना सुंदर पेंट करवाया है ये गेट पर, वेरी नाइस। चलो भाई, मम्मी ऑपरेशन के बाद फर्स्ट टाइम आ रही हैं, आ जाओ घर से, बच्चों की फरमाइश पर ही आई हूँ मैं, नहीं तो मैं आना नहीं सकता। वाह सोनू, डेकोरेशन देखे तो कोई सोनू और की देखे, वाह आपको, बहुत बहुत मुबारक हो, आपको भी ये फ्रेंड्स आ गए थे हम घर पर, कपड़े वगैरह चेंज किए, खाना वाना खाया है हमने, और दही जमा दी है, दूध गर्म होने लग रहा है मेरा, सारा काम खत्म हो गया है। चलो फ्रेंड्स आज के व्लॉग का करते हैं यहीं पर एंड, और मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, बाय 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 फ्रेंड्स।